नमस्कार प्यारे साथियों को, स्वागत है आप सभी के हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान का अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, मायसेल्फ गजेंद्र सिंह चौधरी, मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ राजस्थान पुलिस, पटवार और दिल्ली पुलिस के लिए कंप्यूटर की बेहतरीन क्लासेज। साथियों, ये हमारा नेक्स्ट जो क्लास है वो रहेगा, हमारा जो पुराना क्लास जो चल रहा है वो चल रहा है अपना IPUS के अंदर। देखिए मेरे साथियों, IPUS के अंदर, IPUS में सबसे पहला पार्ट मैंने इनपुट और इनपुट के प्रकार, जो भी इनपुट डिवाइसेज है उनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। बहुत बेहतरीन बेहतरीन जानकारी हमने यहाँ से प्राप्त करी थी। कीबोर्ड को पढ़ा, माउस को पढ़ा, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्क्रीन टच, सारी इनपुट डिवाइसेज के बारे में पढ़ा। इनपुट डिवाइसेज किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेज, सारे बारे में हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं हम IPUS का जो सेकेंड जो टर्म्स आता है वो प्रोसेस का। उससे पहले साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान का अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और दोस्तों, आपके लिए हम लेकर के आए हैं ज्ञान का अड्डा का मोबाइल ऐप, जिस पर आप लोगों को लगभग 2-4-5 दिन बाद में क्लासेज अवेलेबल होने लग जाएंगे। तो आप प्ले स्टोर से ज्ञान का अड्डा का मोबाइल ऐप भी आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में। देखिए इधर सेकंड जो IPUS मैंने बताया था ना, IPUS के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या रहने वाली है कि ये जो 20-25% सिलेबस है ना, पहला टॉपिक इनपुट हो चुका है और दूसरा जो टॉपिक आता है मेरे प्यारे साथियों, इसका नाम होता है प्रोसेस। प्रोसेस, प्रोसेस करने वाले को हम प्रोसेसर कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनना, बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। एक तो CPU के बारे में पढ़ा जाता है, CPU जिसे आप बोलते हो ना कि भाई कैबिनेट, जो आपके कंप्यूटर में जो आपको दिखाई देता है, एक मॉनिटर होता है जो LED हो, LCD हो, एक बगल में जो CPU रहता है, एक्चुअल में वो CPU नहीं होता, हमारे बोलने में ये CPU है, एक्चुअल में जो आपके बगल में रखा रहता है जहां पर आप काम करते हो वो कैबिनेट कहलाता है। CPU मिलता है, मदरबोर्ड पर लगने वाली एक चिप होती है, वो बहुत बेहतरीन जानकारी आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। प्रोसेस करने वाले को प्रोसेसर कहते हैं और कंप्यूटर में जो प्रोसेस करता है वो मेरे प्यारे साथियों CPU करता है। कौन करता है? CPU। कहने का मतलब है कंप्यूटर के प्रोसेसर को किस नाम से जानते हैं? CPU के नाम से। CPU का पूरा नाम क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेरे प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेगा, बहुत शानदार जानकारी देने वाले हैं। CPU का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत पुराने टाइम पर पूछा जाता था CPU का पूरा नाम, सूचना सहायक 2013 में CPU का नाम पूछा था। अब थोड़ा सा उसका लेवल, एग्जाम का लेवल थोड़ा टफ हो गया तो CPU से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते। दोस्तों, इसको एक नाम से जानते प्रोसेसर से, अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं और आपको एक बार क्लियर और करा देता हूं कि CPU को किन अन्य नामों से जाना जाता है। CPU को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो देखिए इधर, CPU को एक तो कहते हैं प्रोसेसर, एक कहा जाता है, इसी को बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। लैपटॉप वगैरह पर आप लोगों ने ऊपर देखा होगा, थोड़ी सी चौकोर आकार का एक कॉर्नर कटा रहता है, उस पर लिखा रहता है इंटेल i3 i7। दिखाने वाला हूं मैं आपको किस प्रकार दिखा, इमेज के माध्यम से दिखाऊंगा। इसी को हम तीसरे नाम से जानते हैं, माइक्रोचिप भी कहा जाता है, एक छोटी सी चिप होती है मेरे प्यारे साथी। दिखा देता हूं मैं आपको किस प्रकार दिखाई देता है, ये देखिए ऐसा, ये है भाई CPU। एक्चुअल CPU तो यही है, इस पर इस प्रकार लगा रहता है इंटेल कोर i7। ये कोर i7 माइक्रो प्रोसेसर है। ये कोर i7 क्या होता है, ड्यूल कोर क्या होता है, पेंटियम क्या होता है, एटेनियम क्या होता है, i3, i7, i9, i10, ये क्या होते हैं? आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा माइक्रो प्रोसेसर सबसे लेटेस्ट वर्जन है, i10 चल रहा है, 10.1 भी आ गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, बात कर रहा हूं मैं पहले कॉन्सेप्ट में CPU के बारे में, CPU के बारे में बात। इसको हम तीन नामों से जानते हैं, इसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं, इसे हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम माइक्रो चिप भी कहते हैं, क्योंकि एक छोटी सी चिप होती है। कहने को छोटी सी चिप होती है, लेकिन कंप्यूटर की समस्त जितनी भी गतिविधियां होती हैं,
इनपुट लेना, आउटपुट देना, प्रोसेस करना, सारी चीजों का काम जो करता है सीपीयू करता है। कहने का मतलब यह है समस्त गतिविधियों का निर्धारण करने वाली इलेक्ट्रॉनिक युक्ति को सीपीयू कहा जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं कि एक स्टूडेंट से नाम पूछा जाता है, आपका नाम क्या है, कानों ने सुना, सीधा मस्तिष्क में गया। जो मस्तिष्क सोचने का काम करता है कि मेरे से पूछा क्या गया है, मेरा नाम पूछा गया है, नाम पूछते उसके दिमाग में जाता है कि मेरा नाम मुझे बताना है। जैसे मैं बताता हूँ मेरा एक्स वाई जेड जो भी नाम है, सर मेरा नाम एक्स वाई जेड है, तो जो एक्स वाई जेड बोला है मस्तिष्क ने बुलवाया है, उसने बोला मोने, लेकिन बुलवाया किसने, मस्तिष्क ने, उसके कानों ने ग्रैंड किया गया मस्तिष्क में, सोचने का काम, पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम। कहते हैं ना कई बार मूड खराब हो जाता है, दिमाग खराब है मेरा, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, तो कारण क्या है, जब अगर सीपीयू खराब है तो कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा। तो सेम प्रोसेस यही होता है कि समस्त गतिविधियों का निर्धारण जो करने का काम होता है ना, वो कौन करता है, सीपीयू। इसी कारण सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू को। कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है, मदरबोर्ड को। कंप्यूटर की आत्मा किसे कहा जाता है, सॉफ्टवेयर को। कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र किसे कहा जाता है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं कंप्यूटर सिस्टम की ह्यूमन बॉडी से तुलना करूं, बस इतना होता है कि कंप्यूटर में सोचने की कैपेसिटी जीरो होती है, जबकि मनुष्य असीमित तक सोच सकता है। और सोचना तो अपने वट में है ही। अभी जैसे कैंपेन चल रहा है भाई, बेरोजगारों वाला चल रहा है, देखा होगा अभी 2-3 दिन से ट्विटर पर रिकॉर्ड तोड़ 24 घंटे में 5 मिलियन रीट्वीट हो चुके। तो वो चीज है सेम। तो जो सोचने का जो काम करता है वही क्या कहलाता है, मस्तिष्क कहलाता है। और कंप्यूटर में सोचने का काम कौन कर रहा है, सीपीयू कर रहा है। इसी वजह से हम इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इस सीपीयू के पार्ट को पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट आया है माइक्रोप्रोसेसर, इसे माइक्रोप्रोसेसर भी कहा जाता है। इसके बारे में एक क्वेश्चन सूचना साहिब के अंदर भी था और राजस्थान पुलिस के अंदर भी इसका क्वेश्चन था, और आरआरबी जो एनटीपीसी की एग्जाम लगी थी उसके अंदर भी क्वेश्चन था। इसी कारण मैं आप लोगों को यहाँ प्रोसेसर, ये माइक्रो प्रोसेसर के बारे में 2-4 कुछ इसके इतिहास के बारे में बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं भाई, दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर एमपी लिख रहा हूं, वो था इंटेल 4004। नोट कर लेना, बहुत शानदार जानकारी बता रहा हूं। दुनिया का सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर बना था वो था इंटेल 4004। कौन सी कंपनी ने बनाया था, इंटेल कॉरपोरेशन ने बनाया था भाई। किसने बनाया था, इंटेल कॉरपोरेशन ने सन 1971 में बनाया था। अब यहां से 3-4 क्लियर हो जाती है बातें। दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है, इंटेल। क्या नाम है भाई, इंटेल। कौन सा माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, इंटेल 4004। हालांकि अभी तो देखो ज्यादा डीपली हो जाएगा इन माइक्रो प्रोसेसरों में, कंप्यूटर टीचर के अंदर ये टॉपिक अलग से आएगा, माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का होता है। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप चलाते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो देखना कि कंप्यूटर आपके कंप्यूटर सिस्टम की प्रॉपर्टीज में जाकर के देख लेना, वहां लिखा रहता है 64 बिट कोर i3, 32 बिट कोर i7, ऐसे कुछ लिखा रहता है। तो ये बिट है ना, तो ये माइक्रो प्रोसेसर बिट पे काम करता है, बिट। ये बहुत ज्यादा डीपली चीज हो जाती है। तो दुनिया का सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था, वो केवल 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था मेरे प्यारे साथी। वर्तमान समय में जो अगर मैं बात करूं, वर्तमान समय में कितने बिट के माइक्रो प्रोसेसर उपलब्ध हैं, 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर उपलब्ध हैं।
सिस्टम की प्रॉपर्टीज में जाकर के चेक कर लीजिएगा, आप जो अभी लैपटॉप या कंप्यूटर चला रहे हो वो 32 बिट या 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर मिलेगा। अब यहां से देखिए, इस माइक्रो प्रोसेसर को बनाने का श्रेय किसको जाता है? इंटेल कंपनी को। और यहां पर एक चीज और पूछी जाती है, माइक्रो प्रोसेसर का जनक किसे कहा जाता है या माइक्रो प्रोसेसर का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है मार्शियस होप को। नोट डाउन कर लेना, बहुत शानदार जानकारी बता रहा हूं, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बता रहा हूं। माइक्रो प्रोसेसर का जनक किसे कहा जाता है? मार्शियस होप को कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अभी कई लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं। अगर मैं बात करूं कि माइक्रो प्रोसेसर के और थोड़ी सी डिफरेंटों के बारे में, कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, देखो इधर, सबसे पहले जो माइक्रो प्रोसेसर चलते थे वो पेंटियम के चलते थे। किसके चलते थे? पेंटियम के। आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा एक माइक्रो प्रोसेसर का प्रकार है, निम्न में से कौन सा एक माइक्रो प्रोसेसर का प्रकार है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको, पेंटियम, इटेनियम, ठीक है ना, टाइटेनियम, इसके बाद अगर आपको दे दिया वो एंड्रॉइड। एंड्रॉइड एक माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता जबकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर ब्लैकबेरी दे दूं तो ब्लैकबेरी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दो क्वेश्चन बड़े शानदार बनेंगे इसमें से, कौन सा माइक्रो प्रोसेसर है और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रो प्रोसेसर आज बता रहा हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम जब टॉपिक आएगा सॉफ्टवेयर। पेंटियम जिनको P4 P5 इस तरीके से नाम से, पेंटियम के बाद में कोर टू ड्यू, ड्यूल कोर, इटेनियम, इटेनियम जिनको आप जानते हो ना, i3, i5, i7, i9, i10, ये माइक्रो प्रोसेसर के प्रकार होते हैं। इसी के अलावा सेलिरॉन भी होता है मेरे प्यारे साथियों, लैपटॉपों के अंदर AMD माइक्रो प्रोसेसर भी होता है। ये होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के प्रकार। आपसे पूछ लिया जाता है AMD किसका टाइप है माइक्रो प्रोसेसर का प्रकार होता है, सेलिरॉन किसका प्रकार होता है माइक्रो प्रोसेसर का प्रकार होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन से होते हैं। पेंटियम होता है, कोर टू ड्यू होता है, ड्यूल कोर होता है, इटेनियम होता है, सेलिरॉन होता है, AMD होता है, ठीक है ना। और दुनिया की सबसे पहली माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी का नाम क्या था? इंटेल कॉर्पोरेशन था। और इंटेल का मुख्यालय कहां पे है मेरे साथियों? इंटेल का मुख्यालय कैलिफोर्निया। इंटेल के संस्थापक कौन है? गोल्डन मूर। कौन है? गोल्डन मूर। एक दिन मैं आप लोगों को जो स्पेशल क्लास लेके आऊंगा ना, जितनी भी सबसे बड़ी कंप्यूटर से संबंधित या जो आपकी सोशल साइट हैं उनके जो संस्थापक या फाउंडर हैं, उनके जो वर्तमान समय में CEO है, उनके बारे में लेके आऊंगा। 30 मिनट की क्लास रहेगी, एक क्वेश्चन 100% चाहे राजस्थान पुलिस हो चाहे पटवार हो, 100% आएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, जो माइक्रो प्रोसेसर, ये मैं CPU के बारे में बता रहा हूँ कि जो CPU होते हैं ना वो किस प्रकार से मिलते हैं। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टर्म्स की, नेक्स्ट टर्म्स आता है कि एक्चुअल में ये माइक्रो प्रोसेसर होता कितने प्रकार का है, किस टाइप से मिलता है, ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर मुख्य रूप से दो प्रकार का ही होता है, RISC एंड CISC। कितने प्रकार का होता है? RISC एंड CISC। और तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है स्पेशल प्रोसेसर। स्पेशल प्रोसेसर में सेलिरॉन हुआ, AMD हुआ, इस प्रकार के प्रोसेसर स्पेशल प्रोसेसर हुआ। RISC प्रोसेसर और CISC, यहां से आपको केवल फुल फॉर्म इनकी ध्यान रखनी है, ज्यादा डीपली जाना नहीं है। RISC का पूरा नाम होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। CISC का पूरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अब मेरे प्यारे साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, ये पढ़ा था मैंने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, CPU के बारे में।
मैंने आपको क्या बताया, सीपीयू एक बार रिपीट कर रहा हूं कि सीपीयू कंप्यूटर की समस्त गतिविधियों का निर्धारण कर रहा है। इसको हम तीन नामों से जानते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं और माइक्रोचिप भी कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर दुनिया में सबसे पहला इंटेल 4004 आया था, 1971 में बनाया था। जनक मार्शियस हॉफ को कहा जाता है, इंटेल कंपनी ने तैयार करवाया था। साथ ही साथ मुख्य रूप से दो रूप में मिलता है, रिस्क और सिस्क। रिस्क और सिस्क, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स। अब देखो, मैंने आपको पहले एक इमेज दिखा दी है, देखो मेरे प्यारे साथियों, आपको पहले एक इमेज दिखा दी है। एक्चुअल में सीपीयू इसे ही कहा जाता है, उसको कैबिनेट कहते हैं, जो डब्बा रखा रहता है ना उसे कैबिनेट कहते हैं। उस कैबिनेट के अंदर हार्डवेयर कंपोनेंट जो होते हैं, कंप्यूटर से जुड़ने वाले जितने भी कंपोनेंट होते हैं, हार्ड डिस्क, डीवी ड्राइवर, मदरबोर्ड, रैम, जितने भी होते हैं ना, एसएमपीएस, उनको रखा जाता है, उसे कहा जाता है कैबिनेट। हार्डवेयर वाले टॉपिक में इमेज के साथ बताऊंगा। और ये होता है क्या, माइक्रोप्रोसेसर, जो कि मदरबोर्ड पर लगा रहता है और यही कंप्यूटर की समस्त गतिविधियों का निर्धारण करता है। अब बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की। भाई देखो, इधर मैं आपको बता चुका हूं, मुख्य रूप से माइक्रोप्रोसेसर दो प्रकार का होता है, रिस्क और सिस्क। और जो स्पेशल प्रोसेसर होते हैं उनमें सेलेरॉन आ गया, एएमडी आ गया, इस प्रकार के प्रोसेसर होते हैं, स्पेशल प्रोसेसर होते हैं, ठीक है ना। अधिकतर हम जो सबसे ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर यूज में लेते हैं वो इंटेल कंपनी का ही लेते हैं। आजकल आप कोई भी देख लेना, लैपटॉप के ऊपर इंटेल कॉर्पोरेशन लिखा रहता है, इंटेल। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन बन सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी का नाम क्या है, मेरे प्यारे साथियों, इंटेल कॉर्पोरेशन। और इंटेल कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे है, कैलिफोर्निया के अंदर है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टर्म्स की, और नेक्स्ट टर्म्स आता है सीपीयू के भाग, पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के कितने भाग होते हैं, सीपीयू के भाग, भाई सीपीयू के तीन भाग होते हैं मेरे प्यारे साथियों। मैंने स्ट्रक्चर में आप लोगों को बता ही दिया, सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है सीयू, जिसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। कई बार इसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है, सीयू शॉर्ट फॉर्म है, सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है ALU। और तीसरा जो पार्ट होता है वो या तो प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हैं या इसी को बोल सकते हैं रजिस्टर, या तो इसको प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हैं, ये मेमोरी वाले चैप्टर में पढ़ूंगा, और इसके बाद रजिस्टर आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इन तीनों के बारे में अगर बात करें तो देखिए, इधर सबसे पहला जो पार्ट आता है इसका वो आता है CU, पूरा नाम क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, कंट्रोल यूनिट। क्या हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया। अब देखिए इधर CU क्या करता है, CPU तो गतिविधियों का निर्धारण करता है, लेकिन उनसे काम करवाने, किसी भी, कहने का मतलब यह है भाई, CPU या मदरबोर्ड से जो भी हार्डवेयर जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, कीबोर्ड लगा हुआ है, माउस लगा हुआ है, मॉनिटर लगा हुआ है, उनको निर्देश देने का जो काम होता है वो काम होता है CPU का, लेकिन उन निर्देश, उन डिवाइसों से काम कौन करवाता है, CU करवाता है। जैसे हमारी नब्ज होती है, जिसे हम नाड़ी तंत्र भी बोलते हैं, हमारे शरीर की जितनी भी जो भी खून है या ब्लड है जो फ्लो करता है वो नाड़ी तंत्र की वजह से। देखा होगा कई बार क्या होता है, आदमी जब बीमार होता है या डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले नाड़ी चेक करता है, क्या स्थिति है, कि क्या शरीर प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेम ऐसे कंप्यूटर के अंदर जो CU है वो नाड़ी तंत्र का काम करता है, इसी वजह से इसको हम कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र या बोले नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर क्या कहलाता है, CU कहलाता है। CU करता क्या है, देखिए इधर CU करता क्या है, देखो इधर CU करता है कि जो इनपुट तथा आउटपुट युक्तियों को नियंत्रित करने का काम करता है भैया, कीबोर्ड से या माउस से, इनपुट डिवाइस से जो निर्देश मिला उसे CPU तक पहुंचाना, CPU से निर्देश मिला उसे मॉनिटर या प्रिंटर तक पहुंचाना, यह काम कौन करता है, CU करता है। और CU का जो बेहतरीन क्वेश्चन बनता है वो क्या करता है,
कि इनपुट युक्तियों से निर्देश ले जा करके सीपीयू तक पहुंचाना, या मैं बात करूं प्राइमरी मेमोरी से निर्देशों को ले जा करके रजिस्टर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? सीयू करता है। मेरे प्यारे साथियों देखो, इधर मैं एक इमेज बना देता हूं, देखो इधर कैसे वर्किंग होता है। इधर सबसे पहले सीपीयू होता है, यहां पर होता है बात करें प्राइमरी मेमोरी, और यहां होता है सेकेंडरी मेमोरी। इसकी खुद की अपनी एक अपनी मेमोरी होती है रजिस्टर। जितना भी अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की गतिविधियां चाहे कुछ भी हो, कुछ समय के लिए वो स्टोर करके रखता है, और वो किस में रखता है? रजिस्टर। सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी तक अगर कोई निर्देश आएंगे उनको लाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और अगर प्राइमरी मेमोरी से और रजिस्टर तक आते हैं वो उनको लाता है सीयू। इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेना कि प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी तक अगर निर्देश या कोई सॉफ्टवेयर आ रहा है तो वो कहाँ कौन लेके आ रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन प्राइमरी मेमोरी से लेकर रजिस्टर तक, क्योंकि रजिस्टर पे ही सीपीयू किस पे काम करता है? रजिस्टर पर। और इस रजिस्टर तक लाने का काम, निर्देशों को लाने का काम कौन करता है? सीयू करता है। और ये मुख्य काम होता है सीयू का। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो दोबारा आप लोग जब भी दोबारा इस वीडियो को देखें, एक बार पुनः इसको समझने की कोशिश करना। बात करते हैं हम सीपीयू के दूसरे भाग की, और दूसरा भाग है मेरे प्यारे साथियों एएलयू। जैसा कि नाम से विदित है, नाम से पता चल रहा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा पार्ट क्या है मेरे प्यारे साथियों? एएलयू पूरा नाम हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई। नाम से पता चल रहा है एएलयू दो प्रकार की ऑपरेशंस करता है, दो प्रकार की प्रक्रियाएं करता है, प्रक्रियाएं करता है। एक तो करता है अर्थमेटिक ऑपरेशन, और दूसरी करता है लॉजिकल ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, अर्थमेटिक में जैसे जोड़ना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, और एक और होता है मॉड्यूलस, मतलब जो शेषफल होता है उसको भी स्टोर करना। ये जो प्रक्रिया का निर्धारण करता है वो करता है अर्थमेटिक पोर्शन, और दूसरा जो लॉजिकल ऑपरेशन है वो इसका मतलब होता है, लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक। जब दो या दो से अधिक चीजों के बीच में तुलना की जाती है, जब दो या दो से अधिक चीजों के बारे में तुलना की जाती है तो वो कहलाता है लॉजिकल ऑपरेशन, जिसमें आता है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ऐसे जो भी। राम श्याम से बड़ा है, गीता सीता से छोटी है, श्याम मोहन के बराबर है, इस प्रकार के जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। और ये इसी कारण इस भाग को हम सीपीयू का कंपेयर भाग भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि सीपीयू का तुलनात्मक भाग कौन सा है, वो होता है एएलयू का लॉजिकल पार्ट। कौन सा होता है? लॉजिकल पार्ट। अब मेरे प्यारे साथियों जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं कि जो मैथमेटिकल संक्रियाएं हैं, जो गणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं हैं, उनको सीपीयू का कौन सा भाग पूरा करता है? वो पूरा करता है एएलयू करता है। देखिए इधर मैंने लिखा 25 माइनस 10 इक्वल टू 15। इस भाग को पूरा करने वाली जो युक्ति है वो एएलयू है। कौन है भाई इस भाग को पूरा करने वाली युक्ति? कौन है? एएलयू। अब इसने ये प्रोसेस कर दिया, रिजल्ट अपने पास 15 आ गया। अगर इसको ये स्टोर करना चाहता है तो कहां स्टोर करेगा? इंपोर्टेंट तो ये है कि एएलयू के द्वारा जो भी ऑपरेशन परफॉर्म की जाती है, जो भी प्रक्रियाओं का निर्धारण किया जाता है, वो एक रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर का नाम होता है एक्यूमुलेटर। क्वेश्चन कैसे बनेगा? एएलयू के द्वारा जो संक्रियाएं पूरी की जाती है वो किस रजिस्टर में स्टोर रहती है? एक्यूमुलेटर। पटवार मेंस एग्जाम में इसका
जस्ट विपरीत क्वेश्चन पूछा गया था। रजिस्टर, अभी तीसरा भाग पढ़ाने वाला हूं मैं आपको रजिस्टर। बस आपको एक ही चीज याद रखनी है कि ALU के द्वारा जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म की जाएंगी वो केवल एक्यूमुलेटर में स्टोर होंगी, उसके अलावा दूसरी जगह नहीं होंगी। अर्थात ALU का अपना खुद का एक रजिस्टर होता है जिसका नाम है एक्यूमुलेटर। अब आता है तीसरा भाग, CPU का तीसरा भाग आ जाता है, वो आ जाता है रजिस्टर। मेरे प्यारे साथियों, रजिस्टर के बारे में देखिए, ये होता है CPU का पोर्शन, बड़ा सिंपल सा है। IPS में जो सेकंड पोर्शन पड़ा है वो CPU है। देखिए इधर बात करते हैं थर्ड, और उसका नाम है रजिस्टर। पहली चीज तो कंप्यूटर की सबसे तीव्र गति की मेमोरी, ध्यान से सुन लेना, कंप्यूटर की सबसे तीव्र गति की मेमोरी क्या होती है? रजिस्टर। इसे कंप्यूटर की सबसे तीव्र गति की मेमोरी कहा जाता है। भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि रजिस्टर किस काम आता है, स्टोर करने के काम आता है, और जो चीज स्टोर करती है वह स्टोरेज डिवाइस कहलाती है, और स्टोरेज डिवाइस का मतलब होता है मेमोरी। क्या होता है? और मेमोरी। और यही कारण है कि कंप्यूटर की मेमोरी वाला टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पर भी ये शानदार चीज पढ़ेंगे। मेमोरी दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन जो ये रजिस्टर है वो किसकी मेमोरी होती है? CPU की मेमोरी होती है। CPU के सबसे नजदीक कौन सी मेमोरी है? रजिस्टर। और कंप्यूटर की समस्त गतिविधियों का निर्धारण कौन करता है? भाई CPU। तो जो नजदीक होगा उसी को तो स्टोर करके रखेगा। इसी वजह से सबसे तीव्र गति की मेमोरी क्या हो जाती है? रजिस्टर हो जाती है। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सी सबसे तीव्र गति की मेमोरी है, ऑप्शन दे दे, रजिस्टर, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैसे मेमोरी, सबसे तीव्र गति की मेमोरी होती है रजिस्टर। उसके बाद कैसे मेमोरी होती है, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी होती है, और उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। ये मैं आपको मेमोरी वाले टॉपिक में बताऊंगा बहुत शानदार तरीके से। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारिए भाई लोगों, आप लोगों का सहयोग ही हमें बहुत मोटिवेट करता है। लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, कोई चार्ज नहीं लगता है। जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, हमें देखो कितना इन्वेस्ट करके आप लोगों के सामने फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेकर के आए हैं। हम ऑफलाइन क्लासेज के अंदर भी कितना चिल्ला चिल्ला के 400-400 बच्चों के अंदर चिल्ला के बात करते हैं। तो वही मैटर है, जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो तो इस बात से अब बिग गए। तो देखिए इधर आते कॉन्सेप्ट पे, सबसे तीव्र गति रजिस्टर में डाटा सेल में स्टोर होता है। ऐसे छोटे छोटे सेल होते हैं मेरे प्यारे साथियों, ऐसे इनमें स्टोर होता है। ये जो सेल, जो शब्द समझ पढ़ रहे हो ना, ये सेल MS Excel में भी आएगा, और इसका क्वेश्चन पूछा हुआ था, MS Excel के अंदर भी आएगा सेल। ये कैसे आएगा कि जो पंक्ति और स्तंभ का जो कटाव बिंदु होता है, जो क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। वो भी ये होता है, पंक्ति और स्तंभ का जो कटाव बिंदु होता है ना, जैसे ऐसे मिलेंगे, ये एक सेल है, ये एक्सेल में है। और यहां पर रजिस्टर में जो सेल होता है वो क्या कहलाता है? जहां पर डाटा स्टोर होता है सेल में स्टोर होता है, और सेल में जो डाटा स्टोर होता है मेरे प्यारे साथियों, जीरो और वन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? जीरो और वन के रूप में होता है। अब बात करते हैं कि सेल नेक्स्ट टर्म्स में कि रजिस्टर के कितने प्रकार होते हैं। पटवार के मेंस एग्जाम में क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथियों, और वो क्वेश्चन क्या था? मुख्य रूप से रजिस्टर, जो CPU का जो रजिस्टर होता है वो कई प्रकार के रजिस्टर होते हैं, लेकिन मैं दो ही बता रहा हूं आप लोगों को। एक तो होता है MBR और एक होता है MDR, सॉरी MAR और एक होता है MDR। हालांकि और भी होते हैं, MBR भी होता है, प्रोग्राम काउंटर भी होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी होता है। MBR यहाँ पूरा नाम होता है मेमोरी बफर रजिस्टर, लेकिन CPU के रजिस्टरों में इन दो का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। MAR का पूरा नाम होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये क्वेश्चन था पटवार के मेंस एग्जाम में मेमोरी डाटा रजिस्टर का। MDR का पूरा नाम होता है मेमोरी डाटा रजिस्टर।
ध्यान से सुन लीजिएगा, ये क्वेश्चन था पटवार के मेंस एग्जाम के अंदर था। पटवार का मेंस एग्जाम का पेपर डाउनलोड कर लेना, क्वेश्चन मिलेगा कि निम्न में से किसमें डाटा संग्रहित किया जाता है। पहला ऑप्शन था मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, दूसरा था मेमोरी डाटा रजिस्टर, तीसरा था मेमोरी बफर रजिस्टर, चौथा था एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के बारे में मैं बता चुका हूं, वो भी रजिस्टर होता है। मैं यहां पर दो रजिस्टर में आपको बता रहा हूं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और मेमोरी डाटा रजिस्टर। मेरे प्यारे साथियों, दोनों के बारे में समझेंगे। देखिए इधर नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। हाँ जी, मैंने क्या बोला कि देखिए इधर MAR और MDR दोनों के बारे में मैं बता देता हूं। ये क्या बताता है, ये डाटा के या मेमोरी के एड्रेस को इंगित करता है। एड्रेस मतलब पते को बताने का काम करता है। एग्जाम्पल दूंगा, बहुत शानदार। मेमोरी के एड्रेस को बताने का काम करता है, जबकि इसमें डाटा संग्रहित होता है। इसमें क्या होता है, डाटा स्टोर होता है। मैं बात करता हूं कि किसी भी बुक का पेज नंबर 40 पर कंप्यूटर डिवाइसेज के बारे में लिखा हुआ है, तो यहां पर पेज नंबर 40 MAR हो जाएगा और कंप्यूटर डिवाइसेज MDR होगा। सीधी और सिंपल सी बात है। अगर मैं एक और तरीके से बता दूं, माना कि जैसे मैं रजिस्टर फॉर्मेट में बता देता हूं, ये रजिस्टर है, इसमें सेल है, यहां पर मैंने डाटा कोई भी स्टोर कर रखा है 10 में, लिख देते हैं बस। देखिए इधर, यहां पर SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF6, ये जो एड्रेस बताया गया है ये MAR कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, जो चीज स्टोर होती है वो MDR कहलाता है, और बस रजिस्टर इतना ही है मेरे प्यारे से। बात करी मैंने CPU में, CPU के तीन भागों के बारे में बात करी, तीन भाग मैंने आप लोगों को बताए। सीपीयू माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रोचिप या प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू के तीन भाग होते हैं, CU होता है, ALU होता है और रजिस्टर होता है। अगले जो टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, अगले वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं, हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आउटपुट डिवाइसेस किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन पटवार के और राजस्थान पुलिस में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उनके बारे में भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे प्लेटफॉर्म को या YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। थैंक यू।